गाजीपुर के ग्राम प्रधान संगठन ने शुक्रवार को विकास भवन के डीपीआरओ कार्यालय पर हल्ला बोला। ग्राम प्रधान डीपीआरओ अनिल कुमार सिंह के व्यवहार पर नाराज हैं और उन पर तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। प्रधानों का कहना है कि डीपीआरओ उन्हें चोर ठहरा रहे हैं। प्रधानों के संगठन ने तो जिला प्रशासन पर अवैध वसूली तक के आरोप लगा दिए हैं। आइए पहले गाजीपुर के ग्राम प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष भयंकर यादव से इस पूरे मामले को जानते हैं। हम प्रधान संगठन गाजीपुर जनपद जिला अध्यक्ष ग्राम प्रधान संगठन, हम लोग क्षुब्ध होकर के डीपीआरओ के कार्य से, जो दो दिन पहले हमारे ग्राम प्रधान और सचिव की बैठक चल रही थी, जो एजेंडे से हट करके जो एजेंडा चल रहा था विकास कार्य का, उससे भटक करके डीपीआरओ ने प्रधान साथी और सचिव को चोर कह करके हम लोगों में गुस्सा जाहिर कर दिया। हमारे ग्राम प्रधान संघ के लोगों ने बताया, हमको अवगत कराया कि आप हमारे सभी ग्राम प्रधानों को चोर कहा जा रहा है, सचिवों को चोर कहा जा रहा है, और डीपीआरओ द्वारा गांव में जा करके बिना शिकायत के गांव में घूम घूम करके वसूली की जा रही है। 25,000 से 40,000 तक लिया जा रहा है, पंचायत भवन के आवंटन में लिया गया है, जो अभी जो चल रहा है तमाम विकास कार्य कायाकल्प से लेकर के, वो कह रहे हैं कि बिना हमारे यहाँ से होकर के नहीं जाएगी फाइल, जैसे कि हम लोगों का अधिकार है 2 लाख से लेकर के, ग्राम पंचायत को शासनादेश है कि 2 लाख की फाइल जो है हम लोग करने का अधिकार है, स्वीकृत करने का अधिकार है, लेकिन इसके बाद भी दबाव डाल करके सचिवों के माध्यम से वसूली तेजी से किया जा रहा है, धड़ल्ले से किया जा रहा है, और इसलिए हम लोग क्षुब्ध होकर के और मनरेगा कार्य और पौधारोपण और साथ में जो भी विकास कार्य हैं, शौचालय से लेकर के कायाकल्प से, हम लोगों ने पूरे ग्राम प्रधान संगठन ने निर्णय लिया है कि कार्य बहिष्कार करेंगे हम लोग। जब तक डीपीआरओ यहाँ से हस्तांतरण नहीं होगा, तब तक हम लोग अपने कार्य के बहिष्कार करेंगे। संगठन के मुताबिक 2 दिन पहले विकास भवन सभागार में मनिहारी, सादात, मर्दा व सैदपुर की सचिव व प्रधानों की एक बैठक बुलाई गई थी। आरोप है कि इस बैठक में डीपीआरओ द्वारा प्रधान व सचिव को चोर का दर्जा दिया गया। इस बयान से जनपद के सभी ग्राम प्रधान आहत हैं। संगठन का आरोप है कि प्रधानों व सचिवों का शोषण किया जा रहा है। 32 पंचायत भवन बनने के लिए शासन से पैसा आया है। संगठन का आरोप है कि अफसर ने धन उगाही कर मानक विहीन आवंटन कर दिए। प्रधान संगठन ने डीपीआरओ अनिल कुमार सिंह को हटाए जाने की मांग की है। मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता को प्रधान संगठन ने डीपीआरओ के खिलाफ पत्रक देकर जांच की मांग की है। गरुआ मकसूदपुर ग्राम प्रधान संजय राय उर्फ मंटू ने कहा कि भ्रष्टाचारियों को जनपद में भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि जो खुद चोर हैं, वो दूसरों को चोर क्या बनाएंगे। इस मौके पर रमेश यादव, दारा यादव, मदन यादव, दीपक सिंह, रंजीत यादव, संतोष सिंह, सोती यादव, विनय, उषा, सियाराम, आरती, राम आशीष, बबलू सिंह, अशोक यादव, राकेश सहित अन्य ग्राम प्रधान उपस्थित रहे। गाजीपुर की ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।